हेलो माय डियर स्टूडेंट डियर, अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी तक हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है। देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रखा हमारे पास फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, जीएनपी कैलकुलेट करके दिखाइए और जीडीपी निकाल के दिखाइए, ठीक है डियर। और हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, यहाँ पे एनडीपी आपके पास गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है डियर। और मैंने आपको बताया था डियर कि ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है वो क्या होता है डियर, डेप्रिसिएशन होता है। मैंने आपको बताया हुआ था क्या होता है डियर, ये डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वो डेप्रिसिएशन होता है। और हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी गिवन है, तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है डियर, हमें निकालना है जीएनपी है, जीएनपी निकालना है और जीडीपी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे जीएनपी और जीडीपी कैसे निकालते हैं। रिलेशन बनाना मैंने आपको बता रखा था, रिलेशन कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ पे हमारे पास जीएनपी गिवन है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस अपने से लगा लीजिए। आपके पास एनडीपी दे रखा है, आपको जीएनपी रिक्वायर्ड है और एनडीपी गिवन है, तो यहाँ पे एनडीपी से आप रिलेशन बना लीजिए। तो एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस, यहाँ पे भी एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस ले लीजिए, आप रिलेशन बना लीजिए। डियर देखिए, यहाँ पे ग्रोस दे रखा है और यहाँ पे नेट दे रखा है, तो ग्रोस और नेट में रिलेशन डेप्रिसिएशन का होता है, जबकि ग्रोस बड़ा होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को क्या करना है यहाँ पे डियर, प्लस कर देना है। डेप्रिसिएशन हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, तो नेशनल और डोमेस्टिक में रिलेशन एनएफआईए का होता है, नेशनल बड़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एनएफआईए को क्या करेंगे डियर, यहाँ पे एनएफआईए को प्लस कर देंगे। ये हमारा रिलेशन बन गया पूरा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, डाटा आपके पास गिवन है, तो डाटा जब गिवन है तो डाटा लिख लीजिए। आपके पास एनडीपी दे रखा था 63,415, तो यहाँ पे 63,415 आपके पास ये डाटा गिवन है, और डेप्रिसिएशन भी आपके पास गिवन है 2,250 आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन है, 2,250 डेप्रिसिएशन गिवन है, और एनएफआईए भी आपके पास 750 गिवन है। आप इनको जब डियर कैलकुलेट करोगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा समथिंग 66,415 करोड़, ये आपका आंसर आ गया। ओके डियर, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने कि नेक्स्ट पूछा है भाई जीडीपी निकाल के दिखाइए। जीडीपी निकालना है तो डियर मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पहले एनडीपी और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस अपने से लगा लेंगे और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस अपने से लगा लेंगे। अब रिलेशन बना लेते हैं, यहाँ पे ग्रोस और यहाँ पे नेट का रिलेशन डेप्रिसिएशन का, ग्रोस बड़ा होता है इसलिए डेप्रिसिएशन को डियर प्लस कर देना है। क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप, और यहाँ पे डीपी है और यहाँ पे भी डीपी है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस गिवन है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना रिलेशन बना लीजिए और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लीजिए। और एनडीपी हमारे पास दे रखा था 63,415 करोड़ गिवन था, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो गिवन था वो हमारे पास था 2,250, यानी 2,250 हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन था डियर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग ये हमारा आंसर आ जाएगा 65,665 करोड़, ये हमारा आंसर आ गया डियर, ठीक है डियर। चल अब बात करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में भी बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है तो देखते हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सपोज वी आर गिवन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, यानी इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करके दिखाइए। तो एनडीपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करना है डियर, हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है और एनएफआईए दे रखा है। तो बस कुछ नहीं करना है डियर, आपको रिलेशन बनाना है, बस रिलेशन बना लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रिलेशन कैसे बनाना है डियर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन में सबसे बड़ा डाटा क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे जी एन
पी एट मार्केट प्राइस गिवन है। तो जी एन पी एट मार्केट प्राइस जब गिवन है तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस रिलेशन बनाना है। यहाँ पे नेट और यहाँ पे ग्रोस है, तो नेट और ग्रोस में रिलेशन डेप्रिसिएशन का होता है। नेट बड़ा होता है, सॉरी ग्रोस बड़ा होता है नेट से, इसीलिए डेप्रिसिएशन को क्या करना है, हम माइनस कर देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक, यहाँ पे नेशनल, रिलेशन एन एफ आई ए का होता है, नेशनल बड़ा होता है इसीलिए एन एफ आई ए को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। एन एफ आई ए को माइनस कर लीजिए। यहाँ पे एफ सी और यहाँ पे एम पी, रिलेशन हमारा एन आई टी का होता है, तो एफ सी एम पी बड़ा होता है, तो एन आई टी को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। एन आई टी को माइनस कर दीजिए आप, आपका पूरा रिलेशन बन गया। अब जैसे रिलेशन बन गया, और एन आई टी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई एन आई टी निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। एन आई टी जब हम निकालेंगे, ठीक है डियर, तो एन आई टी निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम क्या करेंगे, सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट डियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन और सब्सिडीज गिवन है, तो एन आई टी निकालने लिए हमारा आसान हो गया। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर लीजिएगा आप, तो आपको एन आई टी मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा, यानी कि एन आई टी मिल जाएगा। ठीक है डियर, चलिए अब जरा देखते हैं कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास जी एन पी एट मार्केट प्राइस कितना गिवन था डियर, हमारे पास गिवन था 58,350, यानी कि 58,350 गिवन है। इसमें डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है 1,625 गिवन है। उसके बाद एन एफ आई ए भी हमारे पास नेगेटिव में गिवन है, तो यहाँ पे माइनस का 240 दे रखा है, और यहाँ पे एन आई टी भी माइनस करना है डियर। तो एन आई टी माइनस करने के लिए क्या करना है डियर, सीधी सी बात है, देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ज़रा एन आई टी। एन आई टी माइनस करना है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करना है, तो इनडायरेक्ट हमारे पास दे रखा है 2,598, यानी कि 2,590, और उसमें से माइनस कर दीजिए आप सब्सिडी 1,540 को माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करके लिखेंगे डियर, तो ये आपका आंसर समथिंग आ जाएगा 55,915 करोड़, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। ओके डियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास देखिए क्या गिवन निकालने के लिए क्या कहा था, रिक्वायर्ड क्या था, एन डी पी एट एफ सी निकालने के लिए कहा था, और हमारे पास जी एन पी एट मार्केट प्राइस गिवन था। मैंने रिलेशन बनाया यहाँ पे एन और ग्रोस में, नेट और ग्रोस में रिलेशन डेप्रिसिएशन का होता है, ग्रोस बड़ा होता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हमने। वैसे डोमेस्टिक और नेशनल में रिलेशन एन एफ आई ए का होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो एन एफ आई ए माइनस कर दिया, और एफ सी और एम पी में रिलेशन एन आई टी का होता है, एम पी बड़ा होता है, इसलिए एन आई टी माइनस कर दिया। और एन आई टी निकालने के लिए मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दीजिए, आपको एन आई टी मिल जाएगी। ठीक है डियर, तो ये जो डाटा गिवन था उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या था डियर, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जरा 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, ये देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, आगे और भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, अब देखते रहिए कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेट एन डी पी एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाइए, और एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाइए। हमारे पास डाटा गिवन है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस दे रखा है डियर, एन एफ आई ए दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है डियर, ये डेप्रिसिएशन होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया है क्वेश्चनों में। और हमारे पास इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, यानी कि एन आई टी दे रखा है, बस रिलेशन बनाना है, और जो निकालने के लिए कह रहा है रिलेशन बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला है एन डी पी एट अ मार्केट प्राइस, तो हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड तो ये है, क्या रिक्वायर्ड है डियर, रिक्वायर्ड तो ये है ना, और निकालने के लिए क्या बोला है हमें, एन डी पी एट अ मार्केट प्राइस। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे जी एन पी एट मार्केट प्राइस, अब रिलेशन बना लीजिए, नेट और ग्रोस में रिलेशन जो होता है, नेट और ग्रोस में जो रिलेशन होता है डियर, वो होता है डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे जो ग्रोस होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में रिलेशन एन एफ आई ए का होता है, एन एफ आई ए का रिलेशन होता है, नेशनल बड़ा होता है, इसीलिए हमने एन एफ आई ए को भी माइनस कर दिया। ठीक है डियर,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास दे रखा है 97,503 माइनस में डेप्रिसिएशन जो है वो दे रखा है 5,699 और NFIA हमारे पास दे रखा है नेगेटिव में, तो ये दे रखा है 201। अब यहाँ पे डियर एक चीज़ पता है ना आपको कि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आप चेंज कर लीजिएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 92,005। क्या आ जाएगा डियर? 92,005 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा। 92,005 करोड़ आपका ये आंसर आ गया, ठीक है डियर। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने क्या पूछा था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था भाई एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाइए। तो हमारे पास गिवन क्या था डियर? हमारे पास गिवन था जी एन पी एट मार्केट प्राइस। अब रिलेशन बनाइए यहाँ पे नेट और यहाँ पे ग्रोस, रिलेशन डेप्रिसिएशन का तो ग्रोस बड़ा होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे डोमेस्टिक और यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक नेशनल जो होता है उसमें नेशनल बड़ा होता है। फॉर्मूला NFIA माइनस कर दीजिए, यहाँ पे NFIA को माइनस कर दीजिए और यहाँ पे FC और यहाँ पे MP है, तो रिलेशन NIT का होता है, MP बड़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे NIT को भी माइनस कर देंगे। अब NIT को जब माइनस कर ही दिया है तो अब क्वेश्चन को कर लेते हैं ज़रा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था GNP एट मार्केट प्राइस गिवन था 97,503, डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन था डियर 5,699, यानी कि 5,699 ये गिवन था। और NFIA मेरे पास गिवन था भाई माइनस में चल रहा था 201, और NIT भी आपके पास डियर गिवन है। यहाँ पे देखिए NIT आपके पास गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपके पास गिवन है, वो दे रखा है आपके पास 10,576, यानी कि यहाँ पे माइनस कर लेंगे 10,576। ये ज़रा सा जगह कम पड़ गई है तो कोई नहीं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये हमारा, अब इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर समथिंग बनेगा 81,429 करोड़ के आसपास, ठीक है डियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, ठीक है डियर। तो सबसे पहले तो अब जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि भाई कैसे रिलेशन बनाना है और कैसे क्वेश्चन को करना है, ओके डियर। हेलो, हाँ डियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है डियर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ये कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम आपको निकालना है, जिसमें आपको बोला है NNP एट FC निकाल के दिखाइए, GDP एट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाइए, ठीक है डियर। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं ज़रा एक बार। अब हमारे पास सबसे पहले देखो कुछ डाटा गिवन है, NNP एट मार्केट प्राइस गिवन है, NFIA गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडीज़ भी गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी आपके पास गिवन है। तो आपको निकालना है, सबसे पहले आपको बोला है इन्होंने निकालने के लिए कि भाई आप निकाल के दिखाइए NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो NNP एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो बना लीजिए रिलेशन यहाँ पे NNP एट मार्केट प्राइस। अब रिलेशन बना लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरा NNP है और यहाँ पे भी पूरा NNP है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस FC और MP में रिलेशन बना लेते हैं। तो FC और MP में रिलेशन NIT का होता है, तो MP जो होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है डियर? MP जो होता है वो बड़ा होता है, FC और MP में रिलेशन हमेशा MP जो होता है वो बड़ा होता है। जब MP बड़ा होता है तो FC निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है माइनस कर देंगे, NIT को माइनस कर देंगे, NIT जो है वो माइनस कर देंगे। जब NIT है माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में NIT निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि NIT निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन है। तो इसको निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज जो है वो माइनस कर दीजिए। तो अब देख लेते हैं ज़रा, अब NNP एट मार्केट प्राइस गिवन है हमारे पास 1,015 करोड़ गिवन है, और माइनस कर दीजिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास गिवन है 150 करोड़, माइनस में सब्सिडीज जो गिवन है वो आपके पास 20 गिवन है। तो अब डियर इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाता हमारे पास 1,015
15 माइनस में। अब यहाँ पे भाई अगर 150 में से 20 माइनस करेंगे तो 130 आता है हमारे पास। अब 130 जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि यानी कि भाई हमारे पास दे रखा 1015 में से माइनस कर देंगे 130, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 885 आएगा। क्या आ जाएगा? 885 करोड़, यानी ये आपका आंसर आ गया। ओके डियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर आ गया 885 करोड़ हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जीडीपी एटम मार्केट प्राइस निकाल के दिखाइए। तो जीडीपी एटम मार्केट प्राइस निकालना भी हमारे लिए आसान हो, जो हमारे पास डाटा गिवन है उस डाटा से कैलकुलेट कर लेते हैं। एनपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, रिलेशन बना लीजिए, यहाँ पे ग्रोस है यहाँ पे नेट है, तो ग्रोस और नेट में रिलेशन किसका होता है डियर? ग्रोस और नेट में रिलेशन होता है हमारे पास, ग्रोस और नेट में जो रिलेशन होता है डियर वो होता है हमारे पास डेप्रिशिएशन का। किसका रिलेशन होता है डियर? डेप्रिशिएशन का रिलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ग्रोस जो होता है वो क्या होता है, ग्रोस जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है डियर, ग्रोथ जो होता है वो बड़ा होता है और जो नेट होता है वो छोटा होता है। तो जो ग्रोथ है वो हमारे पास बड़ा है, तो जब ग्रोथ बड़ा है तो कैसे निकालते हैं देखिए, जब ग्रोथ बड़ा होता है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ग्रोथ बड़ा है ना, सॉरी ग्रोथ बड़ा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए डेप्रिशिएशन को, डेप्रिशिएशन प्लस कर दीजिए, ग्रोस निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे डीपी है और यहाँ पे एनपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट देखता दे रखा है, तो एनएफआईए का रिलेशन होता है, नेशनल बड़ा होता है, इसीलिए आप यहाँ पे नेशनल जो बड़ा होता है तो आप इसमें से एनएफआईए माइनस कर दीजिए, एनएफआईए को माइनस कर दीजिए। अब एनएफआईए माइनस कर दीजिए, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एमपी है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, एमपी एमपी इक्वल है, तो आप डाटा लिख लीजिए। डाटा कैसे लिखेंगे? एनएनपी आपके पास दे रखा था 1015 आपके पास गिवन था और डेप्रिशिएशन आपके पास गिवन था, डेप्रिशिएशन जो था वो देख लीजिए। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल देखो सामने दे रखा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और एनएफआईए हमारे पास माइनस में जा रहा है, ठीक है, एनएफआईए हमारे पास माइनस में जा रहा है, तो एनएफआईए को कैसे निकालना है देख लेते हैं ज़रा, एनएफआईए हमारा कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। तो भाई एनएफआईए निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एनएफआईए हमारे पास दे रखा है, माइनस का 15 गिवन है तो यहाँ पे माइनस का 15 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इसको, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आई थिंक समथिंग हो जाएगा ये आपके पास टोटल। देखिए यहाँ पे इनको जब हम प्लस करेंगे, देखिए ये भी माइनस माइनस मिलके प्लस ही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1015 प्लस हमारे पास 10 दे रखा है और प्लस में 15 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा 140। क्या आ जाएगा डियर? 1040 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बाकी को क्वेश्चन हम और आगे करेंगे। आज के लिए अलविदा कहिए, थैंक यू।